नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। और नौतपा को लेकर तमाम तरह के आकलन किए जाते हैं। नौतपा भीगा है तो क्या होगा, नौतपा के दौरान आंधी बारिश है तो क्या होगा, और नौतपा में यदि कड़ाके की गर्मी पड़ी है तो क्या होगा। ये तमाम आकलन को लेकर जो मौसम विज्ञानी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी भी अपनी अलग राय होती है, लेकिन एक आम जनता की भी अलग राय होती है। जो सालों से इसे देखते आए हैं, अनुभव करते आए हैं, किसानों की भी अपनी एक राय होती है कि नौतपा में ये हुआ है तो क्या होगा। लेकिन ये जो राय है कितनी सटीक होती है, और अब के हम इस बार के नौतपा की बात करें तो अभी जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह से क्लाइमेट बना हुआ, स्थिति बनी हुई है, उसका इस बार क्या असर होगा, ये हम जानने का आज प्रयास करेंगे क्या हाले के जरिए। और हम शुरुआत करते हैं इस समय हमारे साथ वरिष्ठ जो मौसम के जानकार हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, जी डी मिश्रा जी हैं। लंबे समय तक मौसम केंद्र में काम किया है। और सर, अब बात करें तो पहले तो हम नौतपा की बात करें तो नौतपा का हाल क्या है। देखिए, अमूमन तौर पर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय सनातन परंपरा है, उसमें 25 तारीख से 2 जून तक है नौतपा, हम मानते हैं 9 दिन के लिए। यानी यह होता है कि जब मानसून की स्थितियां होती हैं 1 जून से भारत में, 1 जून से 30 सितंबर तक, तो ये भरपूर तपता है, इसको नौतपा, ये 9 दिन जब भरपूर तपता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगली वर्षा जो बहुत अच्छी होगी, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून जो 4 महीने रहने वाला है, इसलिए हम नौतपा बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ की मैं एक समझा दूँ मोटा मोटी तौर पर, कि जब तापमान बढ़ता है तो प्रेशर में गिरावट आती है, और जहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनता है वहाँ पे भरपूर वर्षा होती है। इन दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार पूरा मई हमारा मध्य प्रदेश में, खासकर अगर संदर्भ में बात करें तो मई में बहुत ज़्यादा प्रदेश में लू का भी प्रभाव नहीं था, और बहुत ज़्यादा तापमान में इस बार जो एक्सट्रीम गर्मी थी वो नहीं पड़ पाई है। पूरा जो मौसम का तंत्र है वो इस समय गड़बड़ाया हुआ है। आप देखिए कि पूरे 12 महीना हमको छोट आंधी वर्षा ये सब मिलती रहती है। बिजली गिरने की जो पहले से चरम घटनाएँ अगर आप देखेंगे लगातार पिछले 25-30 वर्षों में जो नहीं हो रही थी पिछले 4-5 सालों में, और खासकर पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा गरज चमक को बिजली गिरने की घटनाएँ हमको दिखाई दी हैं। और जो मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी पूर्वानुमान जारी किया अगले 4 महीने के लिए, उसके हिसाब से 96 से लेकर 104% वर्षा होगी। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में सामान्य वर्षा का जो बताया गया है पूर्वानुमान के होने की संभावना है। इसके बाद भी चूंकि ये अलिनो का साल है, अलिनो प्रभावित होता है जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक, तो संभावनाएं हो सकती है कि रुक रुक का वर्षा, और कभी ज़्यादा वर्षा, कभी कम वर्षा, खंड वृष्टि हो सकती है। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि जो ये समय है, एक तो जल बचाएं, जिनके पास जल के स्रोत हैं, कुएं, बावली या तालाब हैं, उनमें ज़्यादा दुरुपयोग ना करें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। आपके पास जो बोर का पानी है उसको अनावश्यक है ना बहाएं। अभी का जो मौसम रहा है, जिस 25 मई से जो नौतपा शुरू हुए हैं, अभी हमने देखा कल रात में समूचे मध्य प्रदेश में बड़ी तेज़ी की आंधी थी, रात देर रात आंधी जी चली है, तो नौतपा जो आकलन है सामान्य तौर पर जितना तपेगा उतनी अधिक बारिश होगी, लेकिन इस तरह का जो मौसम है उसका असर क्या होगा। देखिए, मौसम तंत्र गड़बड़ाया हुआ है, तो मैं आपको बता लूं, अभी भी आज अगले 24 घंटे में हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग है, नर्मदापुरम संभाग है, और बुरहानपुर है, अनूपपुर है, ये सब जो जिलों में अभी भी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। एक द्रोणिका बनी हुई है नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट एमपी से जाती है, नॉर्थ साउथ ट्रफ बना हुआ है, तो ये लगातार पूरा ये 9 दिन ऐसे ही चलने वाला है। बहुत ज़्यादा इसमें तपने की संभावना नहीं है। आज भी तापमान प्रदेश का 40 से नीचे ही रहने वाला है। थोड़ा सा जो खजुराहो वगैरह का क्षेत्र है वहाँ पर तापमान 42-44 डिग्री जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नौतपा तपने की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों भी हम देखेंगे कि 29 तारीख के आसपास हमको फिर से एक WD आ रहा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा, तो वर्षा मिलेगी। मतलब नौतपा में बहुत ज़्यादा जिस टाइप से लोगों को वो रहती है कि बहुत तपेगा और हम घरों के बाहर ना जाएँ और बहुत गर्मी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा मानसून में या उसमें संभावनाएँ नहीं दिख रही। इसका सर बारिश पर असर होगा, क्योंकि नौतपा तपेगा नहीं बहुत ज़्यादा। देखिए, बारिश पर असर तो ज़रूर होता है। एक प्रकृति ने ऐसा एक संतुलन बना दिया है कि जब बहुत गर्मी होती है, इसके बाद जब पानी गिरता है तो उनको बड़ी ठंडक होती है, तो बारिश का ये हो गया आजकल पिछले 15-20 वर्षों से पूरा चक्र गड़बड़ा गया, कि कभी आप देखेंगे एकदम रिमझिम वर्षा होगी जो हमारे काम की नहीं आती, या इतनी ज़्यादा वर्षा हो जाएगी उस पानी को हम समेट नहीं पाएंगे और नदी नालों से समुद्र में चला जाएगा। हमको मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लगभग हमको 65 दिन टोटल 120 दिनों में 65 दिन हमको वर्षा चाहिए, जो कि 2.5 या उससे अधिक मिलीमीटर का हमारा जो पैमाना है भारत सरकार का, तो उस टाइप की वर्षा अब देखने को नहीं मिल रही। इतनी ज़्यादा वर्षा कई बार हो जाती है कि हम उसको समेट के नहीं रख पाते हैं, या इतनी कम होती कि हमारे काम की नहीं हो, तो तंत्र तो गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और जो मौसम विज्ञान विभाग ने संभावनाएँ व्यक्त की हैं
कि मानसून लगभग 96% से 104% रहेगा। तो हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छा मानसून रहे, अच्छी वर्षा हो, तभी हरियाली और खुशहाली होगी और किसानों और जनता के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये मौसम के विशेषज्ञ हैं जो अपना बता रहे हैं कि 15-20 साल से जिस तरह से मौसम गड़बड़ाया हुआ है तो उसका असर देखने को मिलेगा। खंडवृष्टि भी हो सकती है, कहीं पर बहुत अधिक बारिश और कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनेगी। उन लोगों के बीच भी चलेंगे जो लंबे समय से इस मौसम को देखते आए हैं और इस संबंध में उनकी क्या राय है। और अब हम पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के मिश्रौद इलाके में और चलिए यहाँ के लोगों से समझेंगे कि किस तरह का जो नवतपा में परिवर्तन होता है उसका कितना असर होता है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आम लोगों की नज़र से कि उनकी क्या राय है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है जी। लग रहा है कि नवतपा चल रहे हैं? नहीं लग रहा ना। लग रहा है, गर्मी है। गर्मी है, अभी बड़ी हुई है गर्मी एक दो दिन से। और रात में आंधी आ गई थी। रात में आंधी आ गई थी, मौसम एकदम चेंज हो रहा है। ये साल नहीं लग रहा है कि नवतपे चल रहे हैं, नवतपा में पानी गिर रहा है। इसका असर क्या होगा? ये कहा जाता है कि आम धारणा है नवतपा जितना तपेगा बारिश उतनी अच्छी होगी, भीगेगा तो अलग असर होगा, आपका क्या आकलन है? ये तो पुराने लोग बोलते हैं कि जैसे नवतपे में अगर बारिश ना आए तो अच्छा पानी गिरता है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस टाइम तो पानी गिर रहा है, अगले बारिश कैसी हो इसका पता नहीं। आपका आकलन क्या है? अब बारिश जो टाइम पे आएगी वही बारिश उसी टाइम पे आएगी, और क्या 15 जून को आती है नवतपा के बाद, उस टाइम आएगी। ये जो मौसम में बदलाव है इसका असर होगा बारिश पर? अब यार ये कैसे बता सकते हैं, हो सकता है नहीं कह सकते। नहीं, ये मौसम के अंदर का आकलन ठीक रहता है ना? हाँ आकलन तो लगभग ठीक रहता है। ठीक रहता है। और साहब क्या हाल है आपका? मौसम बेईमान है क्या? अरे बहुत बहुत बेईमान है। क्या कर सकते हैं अपन, बेईमान है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मिश्रौद? मिश्रौद के ही सर। तो आपका अब तक का अनुभव क्या है? नवतपा में आंधी चलेगी, दिन में गर्मी रहेगी, शाम को ठंडक हो जाएगी, इसका असर क्या होगा? क्या साउथ इंडियन का मौसम इधर आ गया, साउथ का मौसम जैसे वहाँ पे भी 35 डिग्री होती है गर्मी, तो रात को शाम को पानी गिर जाता है, ऐसा इधर भी हो रहा पूरा। तीनों एक साथ मौसम लो आप एक दिन में, ये हो रहा है। इसका बारिश पर क्या असर होगा? बारिश पे तो अगर नवतपा में पानी गिरा तो बारिश बहुत कम होती है हमेशा, सब लोग बोलते हैं। और अब क्या कह सकते हैं, मतलब जैसा भी होगा। आपका अनुभव क्या है? लोग तो कहते हैं, आपका अनुभव क्या है? हाँ बारिश कम होगी अगर इसमें पानी गिरा तो नवतपा, ऐसा है। हाँ। अच्छा परेशानी क्या हो रही है इस तीन तीन मौसम एक साथ है? परेशानी क्या, सबको मतलब सब बीमार हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तीनों मौसम शरीर झेल नहीं सकता ना। तीनों मौसम एक साथ एक शरीर झेलेगा तो लड़ाएगा ना, वो बीमार होगा, वैसे ही हो रहा सबको। तीनों मौसम एक साथ, इनका कहने का आशय ये है कि अभी दिन में बात करें तो गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन शाम होते होते अचानक से ठंड घुल रही है प्रदेश के कई इलाकों में, और कभी आंधी और कभी बारिश, ये दौर लगातार चल रहा है। चलिए और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे उनका हाल जानते हैं। और हम हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच जो अनुभवी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक मौसम देखा है, क्या साहब आपकी उम्र कितनी होगी? 65 साल। तो मौसम आप समझदार हुए होंगे 15 साल में 20 साल में, तो आपको मौसम को इस देखते देखते 40-50 साल तो होगा। ये तो होगा 40-50 साल। इस बार का मौसम कैसा है? इस साल तो बहुत मतलब खतरनाक दिख रहा है, बरसात भी कम होती दिख रही है मौसम वजह से। बरसात अभी 2 महीने तो हो ही गया करते हुए, इस वजह बरसात भी कम होगी। कम होगी बिल्कुल, क्योंकि नवतपा में पानी गिरने से ही बरसात गड़बड़ हो जाती है। अच्छा कैसे होती है? जैसे नवतपा में अगर पानी गिरा तो बरसात थोड़ी अच्छी हो जाती है, नवतपा में पानी नहीं गिरा तो अच्छी हो जाती, बारिश अच्छी होगी, अच्छी होती है। ये सिर्फ कहावत है कि आपने ऐसा महसूस भी किया हुआ है? देखा है हमने, ये हमने ऐसे देखा है कि बारिश जब होती है तो नवतपा में पानी नहीं गिरेगा तो थोड़ी अच्छी हो जाती है बारिश, नवतपा में पानी गिर जाए तो बारिश थोड़ी खड़बड़ हो जाती है। चलिए नवतपा में हमने बारिश तो देखी है, लेकिन तूफान देखा है कभी? नहीं तूफान नहीं देखा हमने, तूफान नहीं देखा कभी, कभी नहीं देखा, नहीं कभी नहीं देखा, पहली बार देखने को मिला। हाँ पहली बार देखने को मिला। और ये ये क्या नाम से नवतपा निकलने के बाद भी आंधी तूफान चलती है, फिर वो आंधी आती है, हवा आती है, वो बरसात लगती है जब आती है। तो कैसी थी आंधी कल की? नहीं कल की बहुत तेज आंधी थी, बहुत तेज हवा थी, उसी समय पानी भी आया था। पानी भी आया। हाँ पानी भी आया था। क्या साहब क्या हाल है आपका?
अरे सर बढ़िया है। बढ़िया है, अरे बिल्कुल। हाँ, और मौसम कैसा है इन दिनों? मौसम में होता रहा, देखो आप बढ़िया। अभी अभी कड़ाके की धूप थी, अब छांव हो गई। छांव हो गई, ठंडक हो गई। नौतपा चल रहा है, लग रहा है? नौतपा लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा है, ठंडक है। ठंडक है, उतना नहीं लग रहा। नौतपा में क्या होता था पहले? पहले तेज होती थी नौतपा, बहुत तेज पड़ते थे, अब कम पड़ते हैं, कम हो रहे हैं। अब कम हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ कारण आप समझ पा रहे हैं? मौसम गड़बड़ हो गया ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हो? अपन से गलती हो रही ना, ये कॉन्क्रीट है, ये बिल्डिंग है, ये सब नुकसान वाली चीज है प्रगति को। पेड़ कट रहे हैं, नहीं पेड़ कट रहे हैं तो ये तो बिल्डिंग तानते समय तो कहा जाता है तो डेवलपमेंट है। अरे डेवलपमेंट तो ठीक है, मगर पेड़ पौधे लगाना भी जरूरी है ना। जरूरी है, तब तो अपन लोगों को जीवन दान मिलेगा। नहीं अब बारिश कुछ पहले आ गई थी शुरुआत में, पहले आ गई ना, है ना। अब ये गर्मी कहाँ तक जाएगी? अब गर्मी तो, अब तो 12 महीने तो हो रही बारिश, 12 महीने बारिश। अच्छी होगी बारिश इस बार? नहीं, हल्की होगी। हल्की क्योंकि मौसम गड़बड़ है ना। 12 महीने पानी गिरा तो क्या बारिश होगी? धूप भी पड़ना चाहिए, मौसम एक जैसा चलना चाहिए बढ़िया। ऐसा जरूरी होता है क्या कि गर्मी में गर्मी रहे, सर्दी में सर्दी रहे? सर्दी रहे, जरूरी होता है, जरूरी है ना। तब तपन होगी तब तो गर्मी तेज पड़ेगी, तब बारिश होगी। मौसम ही गड़बड़ है तो क्या बारिश होगी यार? नहीं तो बारिश होने की अब कैसी संभावना है? नहीं है, कम कम होगा बारिश, कम है। अच्छा, इसका कोई असर भी होगा क्या, जो मौसम गड़बड़ हो रहा है इसका? कैसा हमारे जीवन पर? अब जीवन पर क्या असर है, बड़ी चल रहा है जीवन, और क्या जीवन चल रहा है। और चलिए कुछ यूथ से भी बातचीत करते हैं। क्या हाल है भैया आपका? और अपना तो वही हाल, वही हाल, वही हड्डी। और मौसम का हाल? मौसम विभाग देखते रहे आपको, रात को कितनी आने तूफान चला, लबक के मतलब पेड़ टूट गए, वो सब कुछ पूरा बर्बाद हो गया। पेड़ जो आम की केरी होती वो पूरी नीचे गिर गई है, मतलब पूरा सिस्टम। 12 महीने बारिश हो रही है सर, जब तक डरते मैं नहीं तपेगी जब तक तो अनाज भी पैदा नहीं हो पाएगा सही साइज, मतलब किसानों को मतलब तकलीफ। अच्छा, खेत नहीं तपेंगे तो अनाज प्रभावित होगा? हाँ, नहीं तो खेत नहीं अगर तपेंगे, जब तक धरती मैया नहीं तपेगी अपनी माँ, माँ समानी होती धरती मैया, अपन अनाज उगाते ना, अनाज खाते मतलब, तो जब तक वो नहीं होगा सही से पैदावार भी गेहूँ की नहीं बढ़ पाएगी ना, धान की बढ़ पाएगी, मतलब ऐसा होता है। ऐसा होता है। आप करते क्या है? मैं किसान हूँ, एक छोटा किसान है आप? हाँ, बुराड़ी घाट में रहता हूँ। और अपना तो ये धरती में या तपने की बात कर रहे हैं, कितनी तपना चाहिए? करीबन 45 डिग्री मतलब ऐसा कुछ तापमान होना चाहिए उसका, होना चाहिए। हाँ, 45 से 40 डिग्री तापमान होना चाहिए उसका। ये बीच में बारिश आ गई थी तो उससे क्या खेत भी मिट्टी भी प्रभावित हुई क्या उससे? मिट्टी के प्रभावित ये होती है कि जो नीचे कीटाणु मर जाते हैं पूरे गर्म होके, अभी धरती में ये ठंडी है, अपन हल चला रहे हैं तो पूरा हल जा रहा है जमीन में, मतलब पूरी गीली मट्टी निकल रही है, उसके कारण ये हल चला रहे हैं अपन तो पूरा हल जा रहा है उसमें। साहब, क्या आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? विदिशा। विदिशा के। साहब, मौसम कैसा है? बेईमान है क्या? हाँ, बेईमान ही है, और क्या। गर्मी भी पड़ रही है पर थोड़ी बहुत ठंडी। गाने में सुना है मौसम बेईमान है, कितने सालों बाद हुआ है ऐसा मौसम बेईमान? आंधी भी है, बारिश भी है, गर्मी भी है, बहुत सालों बाद हुआ अभी फिलहाल। बहुत सालों बाद, आपने देखा ही नहीं हुआ है, 70 साल के करीब पहले हुआ था ये। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले अनुभव नहीं किया आपने? नहीं नहीं, इस तरह का मौसम का अनुभव नहीं किया कि हर महीने बारिश देख लो, हर महीने बारिश। कई बार बोलते हैं बारिश कब आएगी, मानसून कब आएगा, अब मानसून भले नहीं आए लेकिन बारिश आई जाती है। बिल्कुल, बारिश आई जाती है। कुछ असर होगा इससे फसल हुई या आम लोग हुए उनके जीवन पर? ये बारिश तो फसल पे तो असर पड़ा ही है, अभी पुरानी जो फसल निकली है अभी उस पर तो असर पड़ा ही है, अब आगे की बारिश की फसल है तो उस पर फायदा होगा। फायदा नुकसान दोनों है, अभी जो फसल निकली उसको तो नुकसान हुआ ही था, अब इसको फायदा होगा, बारिश अच्छी होगी, फायदा होगा। आपको लग रहा है अच्छी बारिश होगी? होना तो चाहिए, क्योंकि अभी जनवरी चल ही रही है, हर महीने बारिश तो चलना चाहिए, साल भर बारिश चलना चाहिए। अभी हम नौतपा की बात करें, अभी फिर कुछ दिनों बाद एक और सिस्टम बन रहा है तो उसके बाद फिर क्या नौतपा के बाद भी गर्मी रहेगी, क्या लग रहा है आपको? गर्मी तो रहेगी, गर्मी तो रहेगी, अक्टूबर तक रहेगी। अक्टूबर तक रहेगी गर्मी तो रहेगी,
गर्मी थोड़ी जाने वाली है। गर्मी तो अक्टूबर में तो सर्दी शुरुआत हो जाती है। आजकल सर्दी भी कहाँ, सर्दी भी दिसंबर जनवरी से पड़ती है। जितनी बैसाख में सर्दी पड़ रही थी। आप पूरा सिस्टम है वही डिस्टर्ब है। आपका क्या हाल है सर? गर्मी है अभी तो उस टाइम से, बाकी पूरा मतलब जो मानसून जैसा गर्मी होता था वैसा नहीं रहा। तो वैसे मैं जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी बेवरेज लाइन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, तो सीज़न पूरा ठप गया है इस बार। ठप गया है, गर्मी ही नहीं पड़ी उस टाइम पर जिस टाइम पर था। अब लोग परहेज करने लगे हैं क्योंकि मौसम ऐसा है कि सुबह दोपहर में गर्मी है, शाम को मौसम कूल हो जाता है। तो लोग बचते हैं इस तरह के पेय पदार्थ से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से या क्रश शरबत से बच रहे हैं लोग। कितना डाउन हुआ है सर? ये समझ लीजिए 50% डाउन हुआ है। 50% मतलब जो मेरा बिजनेस आता था अभी 50% पे है, काफ़ी डाउन है मतलब। और आगे क्या? आगे तो सर अब तो ये सीज़न ऐसा हो गया है कि मतलब अब लोगों ने उससे बेवरेज लाइन से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, क्योंकि मौसम सुबह गर्मी रहता है और शाम को ठंडा हो जाता है, तो आदमी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उतना पी नहीं रहा है या शरबत क्रश मिल्क शेक वगैरह उतना ले नहीं रहा है। आपने कितने सालों बाद देखा है सर? मेरे को तो काफ़ी टाइम, मतलब मैंने तो पहली बार ही देखा है, पर मेरा कंपनी से जो सीनियर है उन्होंने बताया कि कंपनी में पहली बार 40 साल बाद ऐसा दिखा है। मतलब 40 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ था सीज़न जो इस बार ठप गया है। तो देखिए हम मौसम के साइड इफेक्ट समझ रहे हैं, लेकिन इससे बिजनेस भी है वो भी प्रभावित हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है? पहली बार, 40 साल मतलब पहली बार हुआ है। मेरी कंपनी 40-50 साल से है, पहली बार हुआ उनके साथ ऐसा। कभी तूफान वगैरह में तो नहीं फंसे? कई बार फंसे, गाड़ी हिल हिल जाती पूरी, जैसे आंधी तूफान हवा चलता। अच्छा, और गर्मी के मौसम में? गर्मी में हालत खराब हो जाती, पसीना कपड़े तर हो जाते। लेकिन इस बार राहत है? हाँ इस बार तो राहत है, गर्मी लगी कर रही है, इस बार लगी नहीं रहा कि गर्मी नहीं लग रहा। और अभी तो ठंडा गर्म होती है। एक दिन पानी गिरता है, एक दिन धूप निकल जाती है। एक दिन पानी गिरेगा, एक दिन धूप, एक दिन पानी, कभी धूप कभी छाए, कभी ठंडा कभी गर्म। असर क्या होगा इससे? असर अच्छा नहीं होगा। गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ना चाहिए। अभी जो बारिश हो रही है इससे हालात से ऐसा लग रहा है कि गर्मी के महीनों में जब बारिश हो रही है तो बारिशों में बारिश नहीं होगी, फिर खिंच जाएगा पानी। ऐसा क्यों सर? ऐसा होता है जब बिन मौसम में बारिश हो जाती है, जब गर्मियों के महीनों में बारिश हो रही है तो फिर बरसातों में खिंच जाती है बारिश, पानी गिरना। सुना है कि देखा है? सुना है हम पूर्वजों से बड़ों से कि अगर बिन मौसम बारिश हो जाए तो फिर बरसातों में बारिश नहीं होती, नहीं होती ऐसा सुना है। हम पानी लेट हो जाता है, पानी खिंच जाता है। जैसे सुना है, क्या सच हो सकता है? ऐसा हो सकता है, वो तो बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है वो तो सत्य होता ही है। होता है, होता ही। तो आप देखिए लोगों के पास अपना अनुभव भी है और लोगों ने जैसा सुना है वैसा होता है, ऐसा लोगों का मानना है। और हम लोगों से भी ये उनका अनुभव जो है वो साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। कैसी चल रही है चाय? एक नंबर, एक नंबर। ऐसा तो नहीं कि थोड़ा गर्मी में कम चल रही है अभी? लेकिन इस बार तो मौसम बीच बीच में बदल जाता है। बीच में बदलता है, जब भी इतनी नहीं लगती चाय। गर्मी ठंडा होता है ना, गर्मी भी रहती है ठंडा मौसम भी रहता है, तो इतनी नहीं लगती चाय। जैसे कि हम अगर पिछले सालों की तुलना करें तो पहले जितनी चाय की बिक्री होती थी गर्मी में उससे ज़्यादा हो रही होगी अब तो? नहीं, कम ही हो रही है अभी तो। कम ही हो रही है, नहीं हो रही ज़्यादा। गर्मी तो गर्मी रहती है ना एकदम से। कल जब आंधी आई थी आपकी नींद खुली? नहीं, हाँ खुल गई थी, 5 बजे आई थी ना आंधी, तो सुबह भी थी शाम को भी थी, रात में भी चली थी 3-4 बजे आंधी। तो जब तो सो रहे थे, कौन उठेगा 3-4 बजे। पता चल गया था आपको? सबको महसूस किया, चाहे घर के अंदर हो चाहे कहीं बाहर हो, कल की आंधी को सबने महसूस किया है। हाँ सबने। तो पहली बार देख रहे हैं मौसम ऐसा? हाँ पहली बार। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया। क्या क्या करते हैं आप? यही दुकान चला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अच्छा, दुकान चला रहे हैं। तो अब जो मौसम बेईमान है आपकी दुकान पे कोई असर है क्या उसका? पूरा पूरा असर है। क्या क्या असर है? ग्राहक ही नहीं है अभी, 2-4 लोग देख रहे हैं आंधी चली जाएगी, ये भी चले जाएंगे उसी के साथ। बारिश हो जाएगी, पूरा सामान अंदर करना पड़ेगा। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो चाय बिकना बंद हो जाएगी, नाश्ता रखा रहेगा। दोनों तरफ से मार रही है गर्मी ना, आंधी तूफान दोनों चीज़। तो ये जो मौसम है
हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, वो तो है ही है, है। तो साहब हम बात करें, हमने हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया, जो विशेषज्ञ हैं उनके पास भी हम पहुंचे, जो अनुभवी लोग हैं उनके पास हम पहुंचे, किसान हैं उनके पास हम पहुंचे, और यूथ से भी हमने जानने का प्रयास किया। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से मौसम बेईमान है, आने वाले समय में बारिश पर भी इसका असर पड़ेगा। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।